राइट ट्राइंगल प्रिज्म है, राइट ट्राइंगल प्रिज्म है, और इसके हाइपोटेन्यूज पर लाइट री इंसिडेंट हुई नॉर्मली 90 डिग्री बनाते हुए, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई अंदर ही अंदर, फिर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फिर से ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई हाइपोटेन्यूज पर और पार निकल गई। तो आपको ये पता करना है कि इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम कितना होना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करो आप, ये आपने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 पड़ रहा है, 45 पड़ रहा है ना। और टी आई आर के लिए, और टी आई आर के लिए आपका एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी, एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और यहाँ आई कितना है, यहाँ 45 है, तो इसका मतलब क्या है, 45 मस्ट बी ग्रेटर देन, 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल 45 से छोटा ही होना चाहिए इसके लिए, करेक्ट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कॉसेक आई सी, और आई सी कितना होना चाहिए, लेस देन 45। तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन कॉसेक 45। कॉसेक 45 कितना है बताओ, कॉसेक 45 कितना होता है, √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ग्रेटर ही होना चाहिए, इसके अगर इक्वल होगा तब भी बात नहीं बनेगी, तो भी ग्रेजिंग लाइट रे बाहर निकल जाएगी यहाँ तक इसके पैरेलल पैरेलल। अगर 45 हुआ, एग्जैक्टली √2 हुआ, तो भी लाइट रे कहाँ निकल जाएगी, ग्रेजिंग निकल जाएगी, ग्रेटर होगा तब जा करके ये रिफ्लेक्शन हो पाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है,